स्क्रीन पर आपको सिंधिया जी दिखाई दे रहे हैं, जिनको सभी मध्य प्रदेश के लोग महाराज साहब कहकर संबोधित करते हैं और युवा हैं, और साथ ही साथ युवाओं के हृदय के अगर उनको सम्राट कहा जाए मध्य प्रदेश में तो वो गलत नहीं होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये तस्वीर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देख सकते हैं। और यहाँ पर ज्योतिरादित्य जी मैं बता दूँ कि जितने लोग बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर आपके फैन हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपके उसमें से कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी के हैं। लेकिन मैं आपके बारे में एक बात स्थापित तौर पर बोल सकता हूँ कि चाहे यू दे कांट इग्नोर यू, यानी चाहे वो आपको पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और भारतीय राजनीति में अब आपका नाम एक स्थापित राजनेताओं की श्रेणी में लिया जाने लगा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? टेक्निकल टीम, सिंधिया जी की आवाज नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं वहां से। राजनीति अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपना लक्ष्य हमें जनसेवा बनाना चाहिए। राजनीति केवल एक माध्यम है। मैं फिर से टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सिंधिया जी की आवाज यहाँ फ्लोर तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार प्लीज इसे देखें। तो कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से दिल्ली में है चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी देर में जैसे ही ये तकनीकी दिक्कत दूर होती है हम फिर से एक बार इंटरव्यू शुरू करेंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार आपको और करना होगा, मैं माफी चाहूंगी आप सभी से, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से आवाज शायद ज्योतिरादित्य जी की हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी टेक्निकल टीम लगातार कोशिश कर रही है उनसे संपर्क करने की, हालांकि वो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं। तो थोड़ी देर में हम इस इंटरव्यू को फिर से शुरू करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एक बड़ा नाम रहे हैं कांग्रेस का, मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक युवा नेता के तौर पर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए आप सब, और जो लोग खड़े हैं वो भी प्लीज आगे आकर बैठ जाइए। पीछे खड़े हुए लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आगे आ जाइए। चलिए हम फिर से शुरू कर रहे हैं इस इंटरव्यू को, जो कि तकनीकी खामी जो थी उसे दुरुस्त कर लिया गया है। मैं दीपक जी से एक बार फिर आग्रह करूंगी कि इस इंटरव्यू को शुरू करें। मध्य प्रदेश और केंद्र की राजनीति की एक नई जोड़ी बन चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उन्हें कुछ जरूरी काम था हमारे साथ, वो भोपाल जुड़ना चाहते थे लेकिन हमने तकनीकी तौर पर उनको दिल्ली से जोड़ा है। सिंधिया जी आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम बात देश की राजनीति की भी करेंगे और मध्य प्रदेश के राजनीतिक मिजाज की भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के आज के हालात के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आपके दर्शकों को भी मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
मैं कह रहा था कि मैं मानता हूं कि जिंदगी में हमारा मकसद राजनीति नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए जनसेवा, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे पिछले 17 वर्षों से मुझे मौका मिला है अपने क्षेत्र का सेवा करना करने के लिए, अपने संभाग, अपने प्रदेश के लिए। और जब जब मुझे मौका मिला प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में, तो देश की सेवा अपने विभाग के द्वारा करने के लिए भी एक मौका मुझे मिला है। मैं मानता हूं कि अगर हमारा लक्ष्य जनसेवा है, तो अगर जीवन में हम अगर एक भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित एक अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो फिर वो जीवन, मैं मानता हूं, सफल हम लोग मान सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति बड़ी गंभीर है। मैं मानता हूं कि हम लोग भारत के हृदय स्थल में स्थापित हैं, हमारी क्षमताएं अपार हैं। देश का कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर से दक्षिण जाना चाहता है, पूर्व से पश्चिम जाना चाहता है, तो हमारे राज्य से उसे निकलना ही पड़ता है। तो इस वातावरण में जो क्षमता हमारी प्रदेश की है, राजनीति को अलग छोड़ के, मैं मानता हूं कि उन क्षमताओं के आधार पर हम लोग आज कार्यरत नहीं हैं। चाहे आप पर्यटन का की क्षेत्र को देखो, अध्ययन का क्षेत्र को देखो, खनिज के क्षेत्र को देखो, कृषि के क्षेत्र को देखो, मध्य प्रदेश की क्षमता अपार है, लेकिन पिछले 15 वर्षों से हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। दक्षिण राज्यों को आप देख सकते हो, औद्योगिकरण में आगे बढ़ रहे हैं, रोजगारी में आगे बढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल जैसा राज्य आगे बढ़ रहा है, उत्तर पूर्वी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारी सोच, विचारधारा और मानचित्र में त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से आज मध्य प्रदेश, चाहे रोजगारी का विषय हो, चाहे कृषि का विषय हो, चाहे अध्ययन का विषय हो, जो प्रगति हमें करनी चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे हैं। और अगर आप मुझसे स्पष्ट पूछो, तो मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकार की खामियां हैं, जिसके आधार पर आज हम, उन क्षमताओं के आधार पर हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सिंधिया जी, हकीकत तो ये भी है कि पिछले 15 सालों में 3 बार कांग्रेस हारी है, 2003 में, 2008 में, 2013 में और 2018 में फिर से चुनाव है। 3 बार कांग्रेस हारी है, ये एक हकीकत है। और ये भी एक हकीकत है कि कुछ ना कुछ काम तो बीजेपी की सरकार ने किया है, जिसके कारण प्रो इनकम्बेंसी होता है और जनता वोट दे देती है भारतीय जनता पार्टी को। तो आपको क्या लगता है, इस फैक्टर को तोड़ने के लिए क्या करने की जरूरत है? माफ़ कीजिएगा, शायद फिर से कोई एक टेक्निकल फॉल्ट शायद कुछ है, जिसकी वजह से बार बार सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं और ज्योतिरादित्य जी से हमारी सीधी बातचीत नहीं हो पा रही है। फिर से मैं कहूँगी टेक्निकल टीम से कि इस मैटर को देखें और प्लीज़ जल्द से जल्द सॉल्व करें।
ज्योतिरादित्य जी आप फिर जुड़ गए हैं, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप ज्योतिरादित्य जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम फिर जुड़ चुके हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत थी जिसके कारण सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे थे, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है पर गूंज बहुत है और शोर भी बहुत। मैं कोशिश करता हूं कि उसको ठीक कर सकूं। मैं बड़ा संक्षेप में सवाल पूछता हूं, 3 बार लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर कोई फंडामेंटल मिस्टेक है जिसके चलते वो मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती है? क्या कारण लगते हैं इसके आप? नहीं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में क्षमताएं अपार हैं, हमारी कार्यकर्ताओं की फौज गांव गांव तक नहीं है, बस्ती बस्ती तक है। हम नेताओं की अपार क्षमताएं हमारे पास मध्य प्रदेश में हैं, पर इस सारी विचारधारा सोच को एक साथ एकत्रित करके, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आगामी 5 वर्षों का मानचित्र बनाकर उस पर एक गठबंधन और सोच और विचारधारा के साथ हम लोग अगर चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का विश्वास हम जीतेंगे और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की क्षमताओं के आधार पर उजागर करने की कोशिश में हम लोग सफल रहेंगे। इस बार केंद्र में भी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, उसने भी लगभग 4.5 साल कंप्लीट कर लिए होंगे, इस साल इस सरकार ने भी 4.5 साल कंप्लीट कर लिए होंगे जब तक चुनाव होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस वक्त कांग्रेस के लिए स्वर्णिम अवसर है मध्य प्रदेश को एक बार फिर से जीतने के लिए? मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। मैं तो ये सोच विचारधारा रखता हूं कि करो या मरो की स्थिति कांग्रेस के लिए है, लेकिन आज जो वर्तमान में देश में वातावरण है जो निर्मित हो चुकी है सरकार बीजेपी सरकार के जरिए और प्रदेश में वातावरण निर्मित हो चुकी है, जनता ने अपना मन स्पष्ट रूप से बना लिया है। चाहे आप देखें राष्ट्र भर में, चाहे राजस्थान के उपचुनाव हो, मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो या बिहार के उपचुनाव हो, और उसी के साथ अगर आप मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1 साल का आप देखेंगे, जहां 5 उपचुनाव हुए हैं और 5 के 5 उपचुनावों में जनता ने कांग्रेस के झंडे को फहराया है, ये इस बात का प्रतीक है कि आज कांग्रेस में पूरी एक विश्वसनीयता जनता की बन चुकी है और आगे का रास्ता हम लोगों को साथ में मिलकर तय करना होगा। आपने कहा करो या मरो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप खुद स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये करो या मरो की स्थिति है। आपको प्यार से लोग महाराजा साहब कहते हैं, मैं भी महाराजा साहब का संबोधन आपको एक बार देना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इकलौता चेहरा जो शिवराज सिंह चौहान का है वो एक फेमस चेहरा है, एक स्थापित चेहरा है, उसके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी को चेहरा देना चाहिए या नहीं, आपका इस पर क्या विचार है? आपकी आवाज पूरी तरह से आई नहीं, पर मैं जो पकड़ पाया जो आपका मूल प्रश्न है कि कांग्रेस को चेहरा देना चाहिए या नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न था ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ये सोच विचारधारा है कि चेहरा देना या न देना, ये हर राज्य में एक अलग नीति होती है। राष्ट्र भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस ने चेहरे दिए हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने चेहरे दिए, लेकिन राष्ट्र भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस ने चेहरा नहीं दिया है और कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने भी चेहरा नहीं दिया है। तो ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है, हर एक राज्य की एक अलग कंपोजिशन होती है और उसी के तहत हर एक पार्टी निर्णय लेती है। मेरी सोच विचारधारा है कि ये निर्णय कांग्रेस का हाईकमांड लेगी, उस निर्णय का पालन करना कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता के रूप में मेरा दायित्व तो बनता है, पर मैं ये मानता हूं कि जमीनी स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है
कि हम अच्छे प्रत्याशी को चुनें, हम अपनी 5 साल की मानचित्र और रूपरेखा को बनाएं और एक साथ मिलकर जनता के समक्ष हम लोग जाएं। अगर इन तीनों बातों पर हम लोग सफल होंगे तो जनता का विश्वास हम जरूर जीत पाएंगे। आज जो भाजपा ने पूरे मध्य प्रदेश में माहौल तैनात कर दिया है, जहां एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, दूसरे तरफ मासूमों पर गोली और डंडे चलाए जा रहे हैं, तीसरे तरफ हमारा नौजवान बेरोजगार है, चौथे तरफ हमारी महिला अपने आप को असुरक्षित समझ रही है। आज ही पोरी बेराड क्षेत्र में एक 6 साल की हमारी बच्ची के साथ एक दुष्कर्म हुआ है, जो एक माहौल राष्ट्र में ये तैनात कर दिया है भाजपा के शासनों ने। तो आप जहां भी देखो, जो एक राष्ट्र स्तर पर अगर आंतरिक सुरक्षा की हम लोग बात करें, अगर फॉरेन पॉलिसी की हम बात करें, अगर आर्थिक नीति की हम लोग बात करें, एक माहौल आज तैनात हो गया है जहां राष्ट्र भर में हर एक भारतीय वासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, एक असहिष्णुता का माहौल तैनात हो चुका है। तो मैं मानता हूं कि दोबारा एक रास्ता तय करना प्रदेश की जनता के लिए कम से कम हम लोगों का दायित्व होता है, और उसी मुहिम पर कांग्रेस के एक एक नेता और कार्यकर्ता अपना पूरा पूरा ऊर्जा लगा रहे हैं, पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। लेकिन यही दिक्कत मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस कई भागों में बटी हुई है, एक ए कैंप है, एक बी कैंप है, एक सी कैंप है, और वहीं जाकर एक खिचड़ी बन जाती है और गड़बड़ा जाते हैं आखिरी वक्त पर। क्या एक हकीकत नहीं है? क्या एक प्रैक्टिकल सच्चाई नहीं है? ये कठिनाई है, मैं मानता हूं, लेकिन ये कठिनाई जिसके बारे में आप संदर्भ दे रहे हैं, ये कठिनाई थी पिछले 3 विधानसभा चुनाव में। इस बार हम लोग ने एक संकल्प लिया है और पिछले 1-1.5 वर्षों से हम लोगों की रेगुलर बैठकें हो रही हैं, हर माह में 1-3 बैठकें हमारी होती हैं और हम लोग साथ में मिलकर हर रणनीति को तय कर रहे हैं। तो जो मैं मानता हूं कि जो पूर्व में कांग्रेस की कमी थी और कठिनाई थी कि अनेक गुटों में बटी हुई थी कांग्रेस, लेकिन इस बार मैं मानता हूं कि सब लोग एक साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर तो ये बहुत जरूरी हो जाता है सिंधिया जी कि एक चेहरे को सामने रखा जाए। मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपका क्या व्यक्तिगत मानना है, आपका क्या आकलन है, क्या नेता का चेहरा सामने दिया जाना चाहिए या नहीं? एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका आकलन मैटर करता है। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस विषय में आपका स्वयं कोई मत की बात हो, उस विषय पर टिप्पणी न करना ज्यादा उचित है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मेरा ओपिनियन शायद बायस हो। इसलिए मैंने कहा है कि ये निर्णय हाईकमांड ले, और जो भी हाईकमांड निर्णय लेगा उसका पालन करना हम लोगों का धर्म बनता है। लेकिन बायस्ड ओपिनियन आप कह रहे हैं, बायस्ड होगा, बायस तभी होगा जब आप चाहते होंगे कि लीडर दिया जाए, वरना लीडर नहीं देना तो सबसे आसान है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करने वाला हूं, और जैसे मैंने कहा कि जो भी निर्णय हाईकमांड देगा उसका पालन करना मेरा दायित्व है, और हर राज्य के लिए एक अलग कॉम्पोजिशन होती है, और मैं नहीं मानता कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हम लोग राष्ट्र भर में अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त कांग्रेस को किस चाल, चेहरे और चरित्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये बीजेपी का स्लोगन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 चीजें इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस में मिसिंग है। नहीं, आपकी आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया, जरा आप दोहराएं जी। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि भले से ये बीजेपी का शब्द हो, फ्रेज हो, चाल, चेहरा और चरित्र, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का क्या चाल, चेहरा और चरित्र होगा इन चुनाव में, क्योंकि वही डिटरमाइन करेगा कि आप जीत पाते हैं या नहीं, चाल, चेहरा और चरित्र। हमारा ये जो शब्द इस्तेमाल किया ना, चाल, मैं इस शब्द के साथ
रिलेट नहीं कर पा रहे, अंतर मन की सहमति नहीं होती, क्योंकि यही कठिनाई है राजनीति में, और इसलिए राजनीति आज देश में दूषित हो चुकी है, क्योंकि सबके दिमाग में रहता है चाल। मैं मानता हूं कि सादगी होनी चाहिए, एक अपनापन होना चाहिए और एक स्पष्ट सोच विचारधारा होनी चाहिए। सरकार का तो काम है हम पर आरोप लगाना, सरकार जब विपक्ष में थी तब भी हम पर आरोप लगाती थी, सरकार जब अब पक्ष में बैठ गई है तब भी हम पर आरोप लगाती है, पर आपका काम है कि सच्चाई को अपने दर्शकों तक पहुंचाना। और वास्तविकता में इस संसदीय सत्र में हुआ क्या, हम लोग पहले दिन से अपने सीट पर बैठे हुए हैं, हम लोग ने मांगा है पीएनबी नीरव मोदी स्कैम पर चर्चा हो, हम लोग ने मांगा है कि अनेक देश के ज्वलत मुद्दों पर चर्चा हो, जो सीमावर्ती इलाके पर उल्लंघन हो रहे हैं उन पर चर्चा हो, जो बलात्कार की घटनाएं हैं उन पर चर्चा हो, और जब वायरस और टीआरएस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा तो हमने भी उसका समर्थन किया और हमने कहा कि हमने भी अपना अविश्वास प्रस्ताव डाला और इस पर चर्चा हो। लेकिन जो वेल में दो या तीन पार्टियां एक शोरगुल करवा रही हैं और हम लोग अपील कर रहे हैं सरकार को कि आप सदन को चलवाइए, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि मेरे 17 साल के संसदीय कार्यकाल में मैंने पहली बार देखा है कि एक पूरे सत्र में सरकार की तरफ से एक बार भी कोशिश नहीं की गई सभी लोगों को बैठाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरीके से संसद चले। तो मैं तो यह आरोप लगाता हूं कि सरकार की यह मिली भगत है कि वो संसद के सत्र में चर्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नीरव मोदी स्कैम पर उनके पास उत्तर नहीं था, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर वो चर्चा नहीं चाहती थी। एक बार भी 25 दिनों में सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई, एक बार भी टेलीफोन उठाकर एक भी विपक्ष के नेता के साथ 25 दिनों में सरकार के संसदीय कार्य मंत्री या किसी भी जिम्मेदार मंत्री ने कोशिश नहीं की या एक शब्द भी नहीं बोला। तो इसका क्या आप और हम क्या इसका अर्थ निकालेंगे कि ये तो सरकार मिलीभगत करके संसद के सत्र को भंग करना चाहती थी, और 25 दिन हम लोग अपने सीट पर खड़े होकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि संसद को चलाइए चलाइए चलाइए, इससे ज्यादा मिथ्या और झूठ क्या हो सकता है। भाजपा की एक ही आदत है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, और उस मिथ्या को अब केवल कांग्रेस पार्टी नहीं लेकिन देश की जनता भी तोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। आखिरी सवाल सिंधिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री बने, और मुझे संभावना लगती है कि आपके नाम को प्रस्तावित किया जाए, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेरे बात को इंडोर्स करने की जरूरत है, तब आपका मध्य प्रदेश के लिए क्या विजन होगा और आज क्या विजन है? देखिए, मैं जिंदगी में कभी भी अगर या मगर का जवाब नहीं देता, लेकिन अगर आप मुझे ये प्रश्न एक सामान्य मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में आप पूछ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में अपार संभावना है, लेकिन सर्वप्रथम हमें जो दुर्दशा है हमारे प्रदेश में, उस दुर्दशा को हमें इमीडिएटली रोकना होगा, और प्राथमिक तौर पर दो श्रेणियों में, एक महिला सुरक्षा, उसी के साथ जुड़ा हुआ कानून व्यवस्था, और दूसरा किसानों की कठिनाइयों का समाधान निकालना। इन दोनों पर प्राथमिकता देने के बाद मैं मानता हूं कि 5 साल का एक मानचित्र हमें निकालना होगा। वो मानचित्र होना चाहिए किसानों के लिए वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में बढ़ोतरी हमें देनी होगी, निवेश वहां लाना होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा सामाजिक क्षेत्र में जो दुर्गति आज हो चुकी है उस दुर्गति से हमें मध्य प्रदेश को उठाना होगा, और फाइनली हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर हमें उत्पन्न कराने होंगे, और वो तभी संभव होगा जब हम औद्योगिकरण मध्य प्रदेश में करवाएं। ये नहीं कि इनके झूठे फरेब
इन्वेस्टर मीट जो हर साल 3.5 से 5 लाख करोड़ की घोषणाएं होती हैं और जमीनी स्तर पर एक भी इकाई औद्योगिकरण की नहीं लगती, झूठ से निकलकर सच के सवेरे में हमें मध्य प्रदेश ले जाना होगा और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी उसी मानचित्र के आधार पर आगे बढ़ेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं जो आपने कही कि मध्य प्रदेश में इस बार करो या मरो की हालत है कांग्रेस के लिए। सिंधिया जी आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, आपने हमसे अपने थॉट शेयर किए राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, राज्य की राजनीति के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।